90s की एरा में बॉलीवुड में बहुत से सिंगर्स आए। इनमें से कुछ सिंगर्स ऐसे थे जो किसी न किसी को फॉलो करते थे, जैसे कुमार सानू। उनकी आवाज़ किशोर दास से बहुत मिलती थी और इसी वजह से उनको ब्रेक मिला। उसके बाद सोनू निगम रफ़ी साहब को फॉलो करते थे, उनकी आवाज़ रफ़ी साहब से बहुत मिलती थी, उनको चांस मिला। अभिजीत भट्टाचार्य, वो भी किशोर दा के फॉलोअर थे। तो इनकी आवाज़ें कहीं ना कहीं अपने जिनको वो आइडलाइज करते थे उनसे बहुत ज़्यादा मिलती थी, जैसे किशोर दा से मिलती थी किसी की आवाज़, किसी की रफ़ी साहब से मिलती थी। लेकिन एक सिंगर ऐसा आया जो अपनी आवाज़ लेकर आया, अपनी मिठास लेकर आया, अपना स्टाइल लेकर आया और प्योर हीरो की आवाज़ लेकर आया था, और वो थे उदित नारायण। आज हम बात करेंगे उदित नारायण के वो उन गानों की जो कि फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नॉमिनेट हुए। 20 गाने जो हैं वो उदित नारायण के फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नॉमिनेट हुए, और पहला गाना जो फिल्म फेयर अवार्ड के लिए उनका नॉमिनेट हुआ और उस गाने पे उनको अवार्ड मिला, और ये गाना था फिल्म कयामत से क्यामत तक का, और इसका म्यूज़िक दिया था अनंत मिलन ने, और गाना था पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने के मेरी मंजिल है कहाँ। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। उसके बाद 4 साल उनकी नॉमिनेशन नहीं हो सकी। 4 साल बाद जो जीता वही सिकंदर फिल्म के लिए 1993 में, एक बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग जतिन ललित की कॉम्पोजिशन, और मेरे ख्याल में इस गाने पे इनको अवार्ड मिलना चाहिए था। इट्स वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग, और मैं इसको कहता हूँ कि 90s की एरा का वन ऑफ द बेस्ट मेलोडियस सॉन्ग है। और सॉन्ग था पहला नशा पहला खुमा, नया प्यार है नया इंतजार, कर लूं मैं क्या अपना हाल ऐ दिले बेकरार, मेरे दिले बेकरार तू ही बता। पहला नशा पहला खुमार। नेक्स्ट ईयर 1994 में इनके दो गाने फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नॉमिनेट हुए। पहला गाना था अनाड़ी फिल्म के लिए, और सॉन्ग था फूलों सा चेहरा तेरा कलियों सी मुस्कान है, और दूसरा गाना था वन ऑफ द हिट सॉन्ग, और इसके लिए भी अक्सर लोग कहते हैं कि उनको अवार्ड मिलना चाहिए था, और डर फिल्म का ये खूबसूरत गाना, एंड द सॉन्ग वाज जादू तेरी नजर खुशबू तेरा बदन तू हाँ कर या ना कर, तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण तू है मेरी किरण। 1995 में मोहरा फिल्म के लिए उनका सॉन्ग नॉमिनेट हुआ, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त, नहीं तुझको कोई होश होश, नहीं तुझको कोई होश होश, नहीं तुझको कोई होश होश, उस पर यौवन का जोश जोश, नहीं तेरा कोई दोष दोष, मदहोश है तू हर वक्त वक्त, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त। ये गाना इनफैक्ट कॉपी था नुसरत साहब की कवाली दम मस्त कलंदर मस्त मस्त की, इस पर भी उदित को अवार्ड मिल नहीं सका। और फिर इनको अवार्ड मिला 1996, और फिल्म थी दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। सॉन्ग था मेहंदी लगा के रखना डोली सजा के रखना, मेहंदी लगा के रखना डोली सजा के रखना, लेने तुझे गोरी आएंगे तेरे सजना, मेहंदी लगा के रखना डोली सजा के रखना। मज़े की बात बताता चलूं कि 1990 से लेकर 94 तक जो अवार्ड्स थे वो मिले थे कंटिन्यूसली कुमार सानू को, और कुमार सानू ने ये कहा था कि मैं चाहता हूं कि नेक्स्ट अवार्ड किसी और को मिला। आई थिंक जो ज्यूरी थी उसको ये बात शायद पसंद नहीं आई, क्योंकि उनका गाना दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे मैं था तुझे देखा तो ये जाना सनम वॉज द बिगेस्ट हिट
ऑफ दैट टाइम, लेकिन उसको अवार्ड नहीं मिला और अवार्ड मिला उदित नारायण के सॉन्ग मेहंदी लगा के रखना। तो जो हम सोच रहे होते हैं वो नहीं होता, और जो होता है वो हम सोच नहीं सकते। नेक्स्ट 1996 में ही अवार्ड उनको मिल चुका था, लेकिन साथ एक और गाने की भी नॉमिनेशन थी और गाना था राजा को रानी से प्यार हो गया, पहली नजर में पहला प्यार हो गया, दिल जिगर दोनों घायल हुए, तेरे नजर दिल के पार हो गया, राजा को रानी से प्यार हो गया। और 1997 फिल्म थी राजा हिंदुस्तानी, म्यूजिक था नदीम श्रवण का, और अवार्ड मिला जनाब उदित नारायण को, और सॉन्ग था परदेसी परदेसी जाना नहीं मुझे छोड़ के, मुझे छोड़ के परदेसी परदेसी जाना नहीं मुझे छोड़ के, मुझे छोड़ के परदेसी मेरे यारा वादा निभाना, तुम याद रखना कहीं भूल न जाना, परदेसी परदेसी जाना नहीं मुझे छोड़ के, मुझे छोड़ के। इस गाने पे अवार्ड मिला उदित नारायण को। नेक्स्ट इसी सॉन्ग इसी साल तीन गाने नॉमिनेट थे, जिनमें से एक में से अवार्ड उनको मिला भी। एक और गाना था पापा कहते हैं फिल्म का 1997 में, और गाना था घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रस्ते में है उसका घर, कल सुबह देखा तो बाल बनाती वो खिड़की में आई नजर, घर से निकलते ही। और फिर दिल जले मूवी भी 1997 की थी और इनका सॉन्ग नॉमिनेट हुआ हो नहीं सकता, हो नहीं सकता, हो नहीं सकता, हो नहीं सकता किसी के इश्क में खुद को मिटा लूं, हो नहीं सकता, हो नहीं सकता, हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। चलते हैं जनाब 1998 की तरफ, और इनका सॉन्ग नॉमिनेट हुआ दिल तो पागल है फिल्म का टाइटल सॉन्ग। पहली पहली बार मिलाता है यही सीने में फिर आग लगाता है, धीरे धीरे प्यार सिखाता है यही, हंसाता है यही यही रुलाता है, दिल तो पागल है दिल दीवाना है, दिल तो पागल है दिल दीवाना है। एंड देन कम्स 1999 फिल्म थी कुछ कुछ होता है, और उनका सॉन्ग नॉमिनेट हुआ तुम पास आए यूं मुस्कुराए, तुमने न जाने क्या सपने दिखाए, अब तो मेरा दिल जागे न सोता है, क्या करूँ हाय कुछ कुछ होता है, क्या करूँ हाय कुछ कुछ होता है। अब चलते हैं 2000, और फिल्म थी हम दिल दे चुके सनम, और अवार्ड मिला जनाब उदित नारायण को, कंपोजिशन थी इस्माइल दरबार की, और सॉन्ग था चांद छुपा बादल में शर्मा के मेरी जाना, सीने से लग जा तू बल खा के मेरी जाना, गुमसुम सा है गुपचुप सा है मदहोश है खामोश है ये समा, हाँ ये समा कुछ और है, हो चांद छुपा बादल में शर्मा के मेरी जाना। 2001
और एक और बहुत अच्छा सॉन्ग जो नॉमिनेट हुआ, फिल्म थी धड़कन, म्यूजिक था नदीम श्रवण का और गाना था दिल ने ये कहा है दिल से मोहब्बत हो गई है तुमसे, मेरी जान मेरे दिल भर मेरा एतबार कर लो, जितना बेकरार हूँ मैं खुद को बेकरार कर लो, मेरी धड़कनों को समझो तुम भी मुझसे प्यार कर लो। नेक्स्ट 2002 फिल्म थी लगान, म्यूजिक था ए आर रहमान का और अवार्ड मिला जनाब उदित नारायण को और सॉन्ग था आ जा रे आ जा रे, भले कितने लंबे हो रस्ते हो थके ना तेरा ये तन हो, आ जा रे सुन ले पुकार डगरिया, रहना ये रस्ते तरसते हो तू आ जा रे, इस धरती का है राजा तू ये बात जान ले, तू कठिनाई से टकरा जा तू नहीं हार मान ले, तू मितवा सुन मितवा तुझको क्या डर है रे, धरती अपनी है अपना अंबर है रे, तू आ जा रे। एंड देन 2002 में एक और गाना भी इनका नॉमिनेट हुआ उड़ जा काले अकावा तेरे मुंह विच खंड पावा, और फिल्म थी गदर और बड़ा अच्छा म्यूजिक था इस फिल्म का भी, गाना भी बड़ा खूबसूरत था। फिर चलते हैं जनाब 2004 में नॉमिनेशन हुई ये गाना आई थिंक उदित नारायण का डिजर्व करता था अवार्ड, तेरे नाम फिल्म, म्यूजिक था हमेश रेशमिया का और इसका टाइटल सॉन्ग उदित नारायण ने गाया था और गाना था तेरे नाम हमने किया है जीवन अपना सारा सनम, हो जीवन अपना सारा सनम, प्यार बहुत करते हैं तुमसे इश्क है तो हमारा सनम, हो इश्क है तो हमारा सनम। 2004 में ही एक और गाना इधर चला मैं उधर चला जाने कहां मैं किधर चला, और ये फिल्म थी कोई मिल गया। 2005 में भी दो गाने नॉमिनेट हुए उदित नारायण के और पहला गाना तो आई थिंक इट शुड बी द अवार्ड विनिंग सॉन्ग और गाना था जानम देख लो मिट गई दूरियां, मैं यहाँ हूँ कैसी सरहदें कैसी मजबूरियां, मैं यहाँ हूँ। और दूसरा गाना था स्वदेश फिल्म से और ये आखिरी नॉमिनेशन थी उदित नारायण की फिल्म फेयर अवार्ड में और सॉन्ग था ये तारा वो तारा हर तारा देखो जिसे भी लगे प्यारा, ये तारा वो तारा हर तारा ये सब साथ में जो है रात में तो जगमगाया आसमान सारा, जगमग तारे दो तारे नौ तारे सौ तारे जगमग सारे हर तारा है शरारा। आई होप आपको ये सेगमेंट बहुत पसंद आया होगा और बिकॉज इट्स वन ऑफ द बेस्ट सिंगर्स ऑफ बॉलीवुड, उनके बारे में ये इन्फॉर्मेशन थी। 20 सॉन्ग जो नॉमिनेट हुए वो गाने आपको मैंने सुनाए भी, वो गाने मैंने बताए भी, उनके डिटेल्स भी बताई, 5 अवार्ड्स उदित नारायण को मिले, उनको भी हमने यहाँ पर देखा कि कौन कौन से गाने थे। मीन्स 19 ऐसा सिंगर जिसने तीन डेकेड्स में अवार्ड लिए वो उदित नारायण थे। 80s में भी अवार्ड लिया इन्होंने, 90s में भी अवार्ड लिया और 2000 की जो डेकेड था उसमें भी अवार्ड लिया। सो वन ऑफ द बेस्ट प्लेबैक सिंगर बॉलीवुड एवर प्रोड्यूस्ड, और बहुत ही मीठी और प्योर हीरो की आवाज़ थी उदित नारायण की। आपको ये सेगमेंट पसंद आया तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।